ऐसे लोग हैं अपने रास्तों पे, इसलिए डैश कैम जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू वाचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स, और आज काउंटिंग किलोमीटर्स पे मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट मी। मैं कभी नहीं रहता हूँ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, बट आज पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ये है। किधर गया? दिस द क्यूबो स्मार्ट डैश कैम प्रो, विच इज मेड फ्रॉम हीरो ग्रुप, मतलब हीरो मोटोकॉप जो कंपनी है, मोटरसाइकिल्स वगैरह बनाती है, तो हीरो ग्रुप का प्रोडक्ट है ये। And it's completely made in India. और this is not a sponsored video. ये मैंने purchase किया है अपनी कार के लिए। If you know already, कार पे बहुत कुछ किया है, पता है ना? अगर नहीं किया है तो you'll have to check it out. आपको इससे पहले वाले videos में भी पता चलेगा। And secondly, आपको उसके लिए अलग channel भी subscribe करना है। So go and check it out. इस channel को भी subscribe करो अगर आप पहला video ये देख रहे हो तो। काउंटिंग किलोमीटर्स ये चैनल है, एंड द अदर चैनल फॉर द कार वीडियोस इज कैंपर लाइफ मराठी। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो एंड विल डाइव राइट इनटू अनबॉक्सिंग ऑफ दिस एंड इंस्टॉलेशन ट्रायल सब कुछ करेंगे। ऑलराइट, सो आई गॉट दिस फ्रॉम अमेजोन। इस पे एमआरपी लिखा हुआ है 5,990, बट वी ऑल नो इतना एमआरपी नहीं है इसका। दिस आई गॉट फॉर 3,690 और 509 रुपीज का ये 64GB कार्ड। सो टोटल इट इज अराउंड 4,200 रुपीज। 4,200 में पूरा सेट है। नाउ लेट्स सी इसमें क्या क्या है। उगड़ ना। हाँ, ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट दिस नाइस लिटिल कैमरा। ये चार्जर है इसमें लगेगा, एंड देन इसके नीचे क्या है, डाउनलोड यूजर मैनुअल एंड वारंटी समथिंग। दिस इज द बोथ साइड टेप जो इस पे लगेगी कार कांच पे लगाते वक्त, बाद में दिखाऊंगा मैं। दिस इज अ क्वाइट नाइस एंड लॉन्ग यूएसबी केबल यहां से यहां तक आने के लिए। दिस इज 3.5 मीटर्स एज दे हैव सेड इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स चेक इट लेटर। और ये है प्राइट टूल, इसको वायर को इसके पीछे छुपाने के लिए। सो इसको भी मैं बाद में दिखाऊंगा कैसे यूज करना है। पहले इसको पूरा लोड करते हैं। आई थिंक इसको पहले फोन से कनेक्ट करके पेयर करना होता है। सो वो सब करके लेते हैं एंड देन विल गो। आई विल जस्ट गिव यू लिटिल वॉक थ्रू। यहाँ पे पावर बटन है, दिस इज द लेंस, दिस इज आई थिंक अ स्पीकर ओवर हियर, और यहाँ पे माइक्रोफोन है छोटा सा। दिस पार्ट यहाँ पे डबल टेप आएगा, ये कांच पे चिपकेगा। यहाँ पे कॉर्ड आएगा, और दिस इज द स्लॉट फॉर माइक्रो एसडी कार्ड। सो लेट्स गेट इट ऑल सेटअप। किधर गया? आई ओपन द माइक्रो एसडी कार्ड फर्स्ट। राइट, अभी इसको कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं यूजिंग दिस। इसमें दो स्लॉट्स है एंड इट्स क्लियरली मैंशनड ये 2 एम्पियर वाला जो स्लॉट है इसमें डैश कैम लगेगा, और इसमें हमेशा लगा रहेगा क्योंकि ऑफकोर्स इसको कंटिन्यूस पावर चाहिए तभी ये कंटिन्यूस रिकॉर्ड कर पाएगा। एंड देन दिस अदर वन कैन बी यूज फॉर मोबाइल चार्जिंग और एनीथिंग। लुक एट दिस, कितनी लंबी कॉर्ड है ये। आराम से आ जाएगी यहां से यहां तक। राइट, इसको पावर आने के बाद इट इज शोइंग दिस रेड लाइट। नाउ लेट्स ओके, वी ब्लू लाइट आ गया, मींस इट इज टर्न्ड ऑन ऑटोमेटिकली। क्यूबो डैश कैम इज रेडी फॉर सेटअप, फॉलो द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम क्यूबो ऐप। ओके, ऑलराइट, द डैश कैम इज ऑलरेडी ऑन, और अभी क्यूबो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं इसमें। क्यूबो प्रो, ओके, स्टॉप। ऑल राइट, लेट्स ओपन इट अप। लोकेशन परमिशन रिक्वायर्ड। ओके, जो क्यूबो डैश कैम ये वाला मॉडल है अपना फर्स्ट वाला, जीपीएस वाला नहीं है। कमीशनिंग, गो टू वाईफाई सेटिंग्स एंड कनेक्ट क्यूबो डैश कैम।
password is 1234567 8. Okay, let's go to, okay, connected. अभी क्या करना है? Qubo Dashcam is ready for use now. Okay, Qubo Dashcam is ready for use. Recording started. Recording started. Okay, मतलब connect हो चुका है. अभी इसको बाद में देखेंगे. Right now it says device is connected. Okay, I think you can see now. This is recording. The camera is recording and it is transmitting directly to the phone. So ये phone का screen आपको दिख रहा है. All right, it's connected again. Let's see what it is doing now. Qubo Dashcam is ready for setup. Follow the instruction from Qubo app. Okay, it's almost done. थोड़ा सा अभी आपको background noise आने वाला है क्योंकि I don't know if you can see वहाँ पे सामने JCB की खुदाई चल रही है. So उसकी आवाज़ continuous आ रही है. But as I was saying, पूरा setup हो चुका है. The camera is running. But there is a twist in the tale. अभी अपनी कहानी है तो ट्विस्ट तो होना ही चाहिए ना उसमें. सो एज पर द इंस्ट्रक्शंस और जो ट्यूटोरियल्स वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं उसके हिसाब से ये जो वायर है दिस शुड रन फ्रॉम कैमरा. तो यहाँ से जाके यहाँ से नीचे उतर के फिर आपको यहाँ से या यहाँ से कहीं से उसको इधर लाना होता है. बट अपनी कार का एक प्लस पॉइंट है कि इसका हैंड ब्रेक यहाँ पे है. इट्स नॉट अ फ्लोर माउंटेड हैंड ब्रेक. यहाँ पे डैशबोर्ड पे है तो यहाँ पे ओपनिंग था. सो आई थॉट ऑफ यूजिंग दैट ओपनिंग. सो व्हाट आई डिड इज मैंने इस तरफ का राइट साइड का ये ए पिलर पूरी तरह से खोल दिया है. एंड आई हैव रन दिस केबल फ्रॉम हियर. यहाँ से ये अभी यहाँ पे लटका हुआ है. इसको जो एक्स्ट्रा केबल है अभी इसी के अंदर इसके कवर के अंदर इसको रोल करके रख देंगे. फिर यहाँ से नीचे जाके ये स्टेयरिंग रॉड के नीचे से यहाँ पे बाहर निकाला है मैंने इफ यू कैन सी. और यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है ताकि कभी कुछ मेंटेनेंस वगैरह करना रहा और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. सो तू पूरी तरह से कंसील हो जाएगा. डैशबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी नहीं दिखेगा. एंड नाउ द लास्ट पार्ट रिमेनिंग इज आपको दिखाना था कि ये प्राई टूल जो इसके साथ दिया है ये कैसे काम करता है. सो इट्स बेसिकली यू हैव टू होल्ड दिस और इसको पकड़ के इस तरह से केबल को अंदर धकेलना है बस. सो दैट ये केबल को इस रूफ के अंदर दबा देगा. दैट्स इट. सिर्फ इसको क्लोज करना है और इसको क्लोज करने के बाद दिस विल बी टोटली डन. फिर चलेंगे ट्रायल के लिए. थोड़ा सा आउटडोर्स में दिखाएंगे डे टाइम पे ये क्वालिटी कैसा है इसका. जैसे मैंने थोड़ा अपना चेहरा दिखा देता हूँ. ऑलराइट, गिम्बल का यही फायदा है, बटन दबाओ कैमरा घुमाओ. सो अभी इसको मैं ए पिलर को बंद कर देता हूँ. बंद करने के बाद विल गो आउट फॉर अ स्पिन. डे टाइम का इसका क्लैरिटी आपको दिखाऊंगा और फिर रात को भी एक राउंड मारेंगे तो रात को भी कैसे दिख रहा है वो आपको दिखाऊंगा. सो फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ. ऑलराइट, इट्स डन. यहाँ से केबल कंसील. यहाँ के बाद आपको केबल डायरेक्टली दिखेगी इधर. सिर्फ यहाँ से पीछे कैमरा में लगी हुई. दैट्स इट. इसका एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं. दिस इज मूवेबल, लेकिन वो बाहर जाने के बाद करेंगे. अभी चलते हैं इसको लेके बाहर रोड पे. एंड यहाँ से आगे आपको जो दिखेगा दैट विल बी द रिकॉर्डिंग स्ट्रेट आउट ऑफ द क्यूबो प्रो स्मार्ट डैश क्रैम. इट्स अ टंग ट्विस्टर. क्यूबो प्रो स्मार्ट डैश क्रैम, उसमें से आया वो फुटेज राइट हियर आफ्टर दिस. रिकॉर्डिंग स्टार्टेड. लेट्स गो फॉर अ स्पिन नाउ. अभी वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है उसमें से, और जो आवाज आप सुन रहे हो ये भी क्यूबो में ही रिकॉर्ड हो रही है, डैश कैम नहीं. आई एम नॉट यूजिंग एनी अदर कैमरा. सो दिस एंटायर फुटेज इज फ्रॉम द कैम इटसेल्फ एंड आई एम टेकिंग इट इन टू ब्रॉड डे लाइट.
ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा बिकॉज अब अगर मैं बगतो ही कुठे चलतो ही कुठे ऐसे लोग हैं अपने रास्तों पे इसलिए डैश कैम जरूरी है. नाउ द सेम प्लेस इन द नाइट आवर्स. अभी थोड़ा सा राउंड मार के देखेंगे नाइट में इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे आ रही है. ऑडियो तो ऑब्वियसली आपको अभी पता चल चुका है, दिस इज अगेन बीइंग रिकॉर्डेड इन द डैश कैम इटसेल्फ. कोई अलग माइक या कैमरा नहीं लगाया मैंने. सो अभी थोड़ा स्ट्रीट लाइट्स वाले एरिया में भी चलेंगे एंड देन आई विल टेक यू टू द एरियाज वेयर देयर इज नो स्ट्रीट लाइट ऑल्सो.